हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि आखिर वह आपसे चाहते क्या हैं। आपके जो पर्सन हैं जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, वो आपसे क्या चाहते हैं, क्या एक्सपेक्ट करते हैं, इस रिश्ते से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, हम ये जानेंगे। ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, हो सकता है कि आपकी सिचुएशन के साथ एक्यूरेटली रेजोनेट करे, हो सकता है कि सिर्फ कुछ परसेंट रेजोनेट करे। तो आप ओपन माइंडेड होकर ये रीडिंग सुनिएगा। ये रीडिंग सभी जोड़ियाक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, टाइमलेस है। आप जब भी इस वीडियो तक पहुंचेंगे, यह आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितना आपके साथ रेजोनेट होता है उतना ही एक्सेप्ट कीजिए, और ज़बरदस्ती अपने आप को रीडिंग में फिट इन करने की कोशिश मत कीजिएगा, ओके? क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, इसमें सभी के लिए मैसेजेस आएंगे और टाइमलेस है। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, ये रीडिंग तभी आपके साथ रेजोनेट कर सकती है, सभी जोड़ियाक साइंस के लिए है। आइए चलिए देखते हैं कि आखिर वह आपसे चाहते क्या हैं। सो वी हैव द कार्ड ऑफ किंग ऑफ वैंड्स एंड टू ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। Okay, so here we have the hermit. We need more card. Okay, so three of cups. तो आखिर वह आपसे चाहते क्या हैं? We will clarify it more. लेकिन सबसे पहले viewers, मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ कि ये जो पर्सन है, कहीं ना कहीं नेचर वाइज कहूँगी ज़िद्दी हैं, बहुत ज़िद्दी हैं, ज़िद्दी हैं, और ऐसा लगता है कि बहुत दृढ़ निश्चय हैं। यानी कि जो चीज़ एक बार ठान ली या जो चाहिए ही वो उसको पाकर रहेंगे। यानी कि जो चाहिए, जो एक बार ठान लिया, जो एक बार सोच लिया, जिस चीज़ की इच्छा बना ली मन में, उसे पाकर रहते हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़िद्दी टाइप के हैं कि एक ज़िद पर आ जाते हैं। शायद नेचर ही ऐसा है, शायद वो स्टार्टिंग से ही ऐसे हैं कि वो जो भी चीज़ उनको चाहिए वो उस चीज़ को पाकर ही चैन लेते हैं। ऐसा मतलब ज़िद उनकी नज़र आ रही है। थोड़ा आपके मामले में मुझे लग रहा है थोड़ा ऑब्सेशन है यहाँ पे, लेकिन ये ऑब्सेशन उनकी ज़िद है और कहीं ना कहीं वो इसको पूरा ही करना चाहते हैं। तो ये एक्सपेक्टेशन व्यूअर्स उनकी आपसे, सिचुएशन से, बस इस तरह की है कि ये चाहते हैं कि आप इनके रहो, सिर्फ इनके, दिखता हो या ना दिखता हो। ये पर्सन आपसे काफ़ी ऑब्सेस्ड है, फिज़िकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपकी तरफ। फीमेल हैं तो भी बहुत ऑब्सेस्ड है और आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। मेल हैं तो भी बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है और बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड है। इट लुक्स लाइक कि ये इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनल तो अभी नहीं हो रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी, बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव हो रहे हैं। ये ऑब्सेशन कुछ लोगों के लिए थोड़ा एक्सट्रीम, थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए नेचुरल वाला ऑब्सेशन है कि इतना जो कोई ज़्यादा अगर आपको पसंद करता है, ज़्यादा अट्रैक्टेड होता है आपकी तरफ, तो इतना ऑब्सेस हो जाता है। तो यहाँ पर ऐसा लगता है मुझे दैट इमोशंस जो हैं वो उनका परसेंटेज अभी कम है, जैसे 20%, 25%, इस तरह का इमोशनल जो यहाँ पर एरिया है, या इमोशनल जो मैं कहूँगी इनके अंदर फीलिंग्स है, वो 50% नहीं, आधी आधी नहीं, 20-25% बहुत कम है। लेकिन ये इंसान इस समय ऐसा नहीं है कि बहुत प्रैक्टिकली सोच रहे हैं, लेकिन हाँ, अट्रैक्टेड ज़्यादा हो रहे हैं, अट्रैक्शन की तरफ ज़्यादा ध्यान है। तो ऐसा लगता है कि ये आपको पाकर रहेंगे, और आपको पाकर रहेंगे वो इनकी एक ज़िद है। ये इंसान ज़िद्दी भी है और गुस्से वाले भी हैं, या गुस्से वाली हैं। बहुत जल्दी इनको गुस्सा आता है, छोटी सी बात से ट्रिगर होते हैं, या छोटी सी बात से ट्रिगर हो जाती हैं,
और बहुत जल्दी नाराज़ होते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा होते हैं, तो इनको गुस्सा भी बहुत आता है। जैसे गुस्सा बस इनकी नाक पे ही रखा रहता है, इनको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, ज़िद्दी बहुत ज़्यादा है और आपकी तरफ अट्रैक्टेड भी हैं, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं कि उनको आप चाहिए ही चाहिए और वैसे ही चाहिए जैसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये थोड़े डोमिनेटिंग टाइप ऑफ नेचर हो सकता है इनका, कि हमेशा अपने आप ही सिचुएशन में लीड करना, खुद को एक लीडिंग पोजीशन पे रखना, हमेशा सिचुएशन को अंडर कंट्रोल रखना, तो इनका एक ही डोमिनेटिंग साइड भी हो सकता है। तो व्यूअर्स, ये तो आपको पाना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। मुझे ऐसा भी लगता है कि कहीं ना कहीं आप इस इंसान को लेके श्योर नहीं हो ज़्यादा, आई मीन आप दिल से इनको लाइक करते हो, पसंद करते हो, या कहीं ना कहीं आपको भी अट्रैक्शन थोड़ा बहुत फील होता है या होता ही है, लेकिन फिर भी आप सोच विचार करते हो कि आप इस पर्सन की तरफ आगे बढ़ो या ना बढ़ो, क्योंकि आपको अपने टर्म्स पर, अपनी फ्रीडम से, अपनी चॉइसेस और प्रेफरेंसेस से, अपनी मर्जी से जीना पसंद है। और कोई आपको कितना भी अच्छा लगे, लेकिन आप ना ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कोई आपको फॉर ग्रांटेड लेगा, या कोई आपको कंट्रोल करेगा, या कोई आपको कोई आपको डोमिनेट करेगा, या कहीं ना कहीं आपसे अट्रैक्शन ज़्यादा है उस वजह से आपके पास रहेगा या आपके साथ रिश्ता बनाएगा, तो आपको ये चीज़ें इतनी ज़्यादा मतलब प्योर नहीं लगती। एंड यू आर नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन जो सिर्फ अट्रैक्शन अट्रैक्शन में प्रभावित रहे, इन्फ्लुएंस्ड रहे। आपके लिए बेस है प्यार, और वो भी सच्चा प्यार। तो आप इसीलिए थोड़ा कन्फ्यूज़ हो, या इस पर्सन की वजह से कन्फ्यूज़ हो गए हो कि अब आप क्या करोगे। तो अभी भी आप डिसीजन पर नहीं पहुंचे हो। मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान चाहता है कि आप ना ये कंफ्यूजन और ये सब सोचना और ये टाइम लेना बंद करो, और फटाफट ना यही डिसाइड करो कि आप इनके साथ रहोगे, या इनको मतलब अपना पार्टनर मानोगे, या इनके साथ रिश्ता रखोगे, या इनके साथ ही एक रिलेशन, एक कमिटेड रिलेशनशिप में रहोगे। तो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप ऐसा करो, ज़्यादा यहाँ वहाँ ध्यान मत दो, बस डायरेक्ट मुझे हाँ बोलो, या मेरे साथ रहो, या मेरे लिए वेट करो, या मेरे बारे में सोचो, मुझे अटेंशन दो। तो सेल्फ ऑब्सेस्ड टाइप ऑफ ए पर्सन भी है कि मुझे ध्यान दो, मेरे ऊपर फोकस करो, दैट काइंड ऑफ अटेंशन। यहाँ पर व्यूअर्स, मुझे ऐसा लगता है कि चाहे ये इंसान अपनी पर्सनालिटी में कितने भी स्ट्रांग क्यों ना हो, लेकिन आपकी पर्सनालिटी की भी कुछ क्वालिटीज़ हैं कि आप ना ज़िद्दी नहीं है, लेकिन आप फेयर हैं, आप ऐसे ढीठ या ऑब्सेसिव नहीं है, लेकिन आप ऑनेस्ट हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई इजीली डील कर सकता है, या आपको कोई फॉर ग्रांटेड ले सकता है, या आपको कोई अपने कहे अनुसार चला सकता है। आपको भी कोई ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड है, आप टक्कर का कॉम्पिटिशन यहाँ पर है। लाइक ऐसा नहीं है कि कोई आपको कहीं ना कहीं कोई अट्रैक्टेड है आपसे, और आपको वो इजीली इम्प्रेस करके बस अपने पास रख ले, रिश्ते में ले आए, और उसके बाद आपको फॉर ग्रांटेड ले, या फिर अपनी वैल्यू ज़्यादा समझे, अपने आप को इम्पोर्टेंस ज़्यादा दे और आपको कम दे, तो आप इस सिचुएशन में आएंगे ही नहीं। दैट इज़ वाई यू आर थिंकिंग अलॉट, इसीलिए आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। देखिए, यहाँ पर भी कोई अकेला बैठा सोच रहा है एकांत में, यहाँ पर चिन पे हाथ रखा हुआ है, जो कि एक ऐसे ही पोज होता है जब लोग सोच रहे होते हैं। ओके, अपने चेहरे पर हाथ रख के, अपने चिन पर हाथ रख के अक्सर लोग सोच रहे होते हैं, ख्यालों में होते हैं। और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अभी भी सोच रहे हो कि मुझे इस पर्सन की तरफ बढ़ना चाहिए, या बिल्कुल पीछे हट जाना चाहिए, साफ इनकार कर देना चाहिए, या फिर पीछे हट कर देखना चाहिए कि क्या है ये इंसान, कैसा है ये इंसान, कितना वेट करेगा मेरे लिए, कितना पेशेंस इसके अंदर होगा, एंड ऑल दैट। लेकिन ये इंसान को ना जल्दी है, जल्दीबाजी, एज इन जल्दीबाजी इस चीज़ की नहीं है कि उनको तुरंत कुछ चाहिए, जल्दीबाजी इसलिए है क्योंकि ये जो आप, आपकी लाइफ में एक दूसरा ऑप्शन भी है, एक दूसरा डायरेक्शन भी है, तो कहीं आप वो डायरेक्शन चूज़ ना कर लो, इस बात का इस इंसान को डर है, क्योंकि ये तो पाना ही चाहते हैं आपको। यू लुक वेरी ब्यूटिफुल, यू लुक वेरी अट्रैक्टिव, यू हैव दैट एटीट्यूड। मैंने कहा ना, आपकी पर्सनैलिटी भी टक्कर की है, ऐसा नहीं है कि आप कोई वीक हो, कोई बहुत वल्नरेबल हो, या कोई बहुत ज़्यादा बहुत
दुखी हारे कोई इंसान हो, ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट आपकी इतनी ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्टिंग पर्सनालिटी है, इतना ज़्यादा आप सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसको मेंटेन रखने पे विश्वास रखते हैं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट सेक्रीफाइस नहीं करते ऐसी चीज़ों के लिए। तो जितना ज़्यादा आप सेल्फ रिस्पेक्ट में ऑपरेट करते हैं, जितना ज़्यादा आप सेल्फ रिस्पेक्टिंग रहते हैं व्यूअर्स, उतना ही ज़्यादा ये जो पर्सन है ये आपकी तरफ और अट्रैक्टेड हो जाते हैं। यू नो व्हाट आई एम सेइंग, कि जितना ज़्यादा आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट में रहेंगे उतना ही ज़्यादा ये इंसान आपसे ऑब्सेस अट्रैक्टेड हो जाता है। तो ये नहीं चाहते कि आप समय बर्बाद करें, आप फटाफट इनको चूज़ करें, ऐसा चाहते हैं, लेकिन आपको ना ये सिचुएशन अलार्मिंग लगती है। यहाँ पर एक वर्ड चैनल हो रहा है अलार्मिंग, तो आपको लगता है नहीं यहाँ पर कोई रेड फ्लैग है, कोई रेड फ्लैग है यहाँ पर, मैं उसको इग्नोर नहीं कर सकती या मैं उसको इग्नोर नहीं कर सकता। तो आपको कुछ रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं, इसीलिए आप सोच में पड़ गए हैं, क्योंकि आप एक ऐसा ट्रीटमेंट नहीं चाहते जो कि डिसरिस्पेक्टिंग है या समवेयर थोड़ा सा कंट्रोलिंग है। इस तरह का ट्रीटमेंट आप नहीं चाहते, कोई कंट्रोल करे आपके ऊपर या थोड़ा सा आपको समझाए या इन्फ्लुएंस करे बार बार। आप थोड़ा फ्रीडम से रहना पसंद करते हैं ऐसा लगता है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, आपको जस्टिस, फेयरनेस और कहीं ना कहीं सच्चाई, लॉयल्टी, ये सब चीज़ें आपके लिए टॉप मोस्ट है। एक रिश्ते में तो है ही, आप इवन फ्रेंड्स अपने दोस्तों से भी एक्सपेक्ट करेंगे कि ऑनेस्ट रहे, तो प्यार में तो करेंगे ही। तो यहाँ पर आप बहुत ऑनेस्ट हैं, और मैं कहूँ कि ब्रूटली ऑनेस्ट हैं, यानी कि सच चाहे कितना भी कड़वा हो, कितना भी बुरा लगे, लेकिन सच तो सच है, और आपको सच सुनने में भी बुरा नहीं लगता। आप ऐसे इंसान हो कि चाहे कितना भी मुझे बुरा लगे, कितना भी मुझे कड़वा लगे सच, लेकिन मुझे सच बताओ। और आप सच बोलना भी चाहते हो कि चाहे कितना भी बुरा लगे, किसी को कड़वा लगे, लेकिन सच तो फिर भी कहना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर आप इस तरह के ऑनेस्ट भी हो सकते हो जो कि ब्रूटली ऑनेस्ट है। तो कहीं ना कहीं ये इंसान आपकी पर्सनालिटी से ना और ज़्यादा ट्रिगर होते हैं, आप इनके लिए ना थोड़े चैलेंजिंग बन गए हो, इसीलिए इनको और ज्यादा आपसे ऑब्सेशन हो रहा है, और ये और ज्यादा ना आपको पाना चाह रहे हैं बिना एफर्ट्स लिए, क्योंकि ये बहुत अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, लेकिन ये अपने आप में काफी ज्यादा एटीट्यूड रखते हैं, अपने आप में काफी ज्यादा पावरफुल, डोमिनेटिंग, अपने आप में थोड़े यू नो एक ईगो है, एक एरोगेंस है इनके अंदर। उस वजह से ये हम्बली एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं कि हम्बल होके, स्वीट होके, पोलाइट होके आपके लिए एफर्ट्स ले फिर आपका दिल जीते, उसमें एफर्ट नहीं डाला है इन्होंने। ये बस इस पर्सनालिटी के हैं कि जो चाहिए वो चाहिए, और उस चीज़ के लिए जिद पकड़ ली है, और बार बार आपको सिर्फ कह सकते हैं या बार बार ऐसा कुछ कर सकते हैं जो कि कुछ रोमांटिक भी नहीं है। मतलब इनकी तरफ से आपको वो चीज़, वो वाइब महसूस नहीं हो रही है जिस वजह से आप कन्विंस्ड हो जाए, वो जेस्चर आपको नहीं दिख रहे हैं, सिर्फ आपको अट्रैक्शन जैसा ही दिखाई दे रहा है आपको भी। तो इसीलिए ये इंसान बिना एफर्ट्स लिए आपको पाना चाह रहा है, बिना मेहनत करे या बिना कुछ एक्शंस लिए ये सोच रहे हैं कि बस इजीली ये हो जाए, आसानी से मिल जाए, जबकि आप इनके लिए ज़्यादा चैलेंजिंग साबित हो रहे हैं। तो उनको अच्छा नहीं लग रहा है, उनका एंगर भी बढ़ता है, फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ता है, कहीं ना कहीं उनका ईगो भी बढ़ जाता है। और आपको पसंद नहीं है कि अगर प्यार है ऐसा है तो फिर ईगो क्यों। तो यहाँ पर तो व्यूअर्स, ये इंसान आपकी पर्सनालिटी से बहुत डिफरेंट है। स्ट्रांग दोनों ही पर्सनालिटीज़ हैं, लेकिन एक इस वजह से स्ट्रांग है क्योंकि वो ऑनेस्ट है, लॉयल है, ब्रेव है, सेल्फ रिस्पेक्टिंग है और ऑनेस्ट है। यस, तो एक इस वजह से पावरफुल है, स्ट्रांग है, और दूसरी इस वजह से पावरफुल स्ट्रांग है कि वो डोमिनेटिंग है, कंट्रोलिंग है, पावरफुल है एंड ज़िद्दी है, ऑब्सेसिव है, इस तरह से गुस्से वाले हैं, ईगोइस्टिक हैं। तो वो उस तरह से थोड़े से अपने आप को स्ट्रांग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बट देर इज़ लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है। हालांकि कॉन्फ्लिक्ट ऐसा नहीं है कि झगड़ा है आप लोगों में, लेकिन एक एक तरह से एक नॉर्थ पोल है तो एक साउथ पोल है, बिल्कुल डिफरेंस, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल बिल्कुल अलग अलग। तो ये तो आपके एक तरह से दिमागी रूप से आपके पीछे ही पड़े हुए हैं या पड़ी हुई हैं, बार बार आपके बारे में सोचते हैं, आपको स्टॉक करते हैं और आपको पाना चाहते हैं, हाँ में हाँ मनवाना चाहते हैं, चाहते हैं कि आप इनके ही पीछे भागो, इनका ही इंतज़ार करो, इनको ही देखो, इनको ही सोचो। तो
तो ये खुद वो सब नहीं कर रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि आप वैसा करें, इनको ही देखें, इनको ही सोचें, इनके ही पीछे भागें। तो आपको ये थोड़ा सा क्वेश्चनेबल लगता है कि ये कैसा प्यार है, क्योंकि यहाँ पर मुझे वो वाला प्यार यहाँ नहीं दिख रहा है, क्योंकि को थ्री ऑफ कप्स का कार्ड है जो कि वो मैसेज नहीं देता है, ये वाला जो प्यार को अच्छे से बता सके। थ्री ऑफ कप्स इज नॉट सफिशियंट, इज नॉट इनफ। ओके, और बाकी यहाँ पर हर्मिट है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है, टू ऑफ पेंटिकल्स है, किंग ऑफ वैंड्स है, देयर इज अट्रैक्शन बट रेयर लव, बहुत कम है प्यार। अब ईगो इतना होगा तो फिर कहाँ वहाँ प्यार की जगह कैसे होगी। मैं ये नहीं कह रही कि कभी नहीं करेंगे या करते ही नहीं है, आई डोंट नो, पर उनकी अभी की एनर्जी जो ऐसी है कि अभी वो आपसे क्या चाहते हैं, तो अभी तो बहुत अट्रैक्टेड है और आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनके प्रति जैसे समर्पित हो जाएं उनके प्रति बिल्कुल डिवोटेड और डेडिकेटेड हो जाएं, ऐसा जो कि आपको मंजूर नहीं है, क्योंकि आप भी एक ओपन माइंडेड स्ट्रांग पर्सन हैं, तो आपको भी ऐसे अपने आप को आप भी अपने आप को गलत ट्रीट होता हुआ नहीं देख सकते, तो इसीलिए आपको बिलीव नहीं हो रहा है, ट्रस्ट नहीं हो रहा है। मुझे ऐसा भी लग रहा है व्यूवर्स कि कहीं ना कहीं आपकी इस पर्सन से बात नहीं हो रही है, थोड़ा आप अकेले में ज़्यादा वक्त बिता रहे हो। ओके, जबकि मुझे लगता है कि वो जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में और आपके दिमाग में चल क्या रहा है, दे आर वेरी क्यूरियस, इसीलिए शायद ये आपके फ्रेंड्स के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू कहीं से तो आपके बारे में इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहे हैं या लेते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन ज़रूर आपके बारे में इंक्वायरी करते हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे आप ना सब चीज़ों से दूर अकेले में, बिल्कुल अकेले में, मतलब ऐसा नहीं कोई है नहीं, अकेले में मतलब एकांत में बैठ के बिना किसी से कुछ बोले, बिना किसी से शेयर किए, बस अपने आप ही सोच रहे हैं कि क्या ये इंसान मेरे लिए ठीक है, क्योंकि आपका दिल गवाही नहीं दे रहा, आपका दिल आपको आगे जाने की इजाज़त नहीं दे रहा है, जबकि अट्रैक्शन आपको भी फील हो रहा है, पर आपको लग रहा है कि इस अट्रैक्शन के चक्कर में मैं वो गलती ना कर दूं जो मैं आगे जाके मतलब मुझे दुख मिले। तो आप ना बहुत फूक फूक के कदम रखना चाहते हो। हमारे यहाँ एक कहावत है, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, तो उसमें ऐसा होता है कि जैसे गर्म दूध है, किसी को गर्म दूध पीने के लिए दिया गया और उसने सोचा नहीं कि गर्म कितना होगा और अचानक से पी लिया तो उसका मुंह जल गया। ओके, तो अब कोई ठंडी छाछ बना के भी देगा और वो ठंडी भी होगी मीठी भी होगी तब भी उसको बना के देगा, तो जैसे ही वो देखेगा कि वाइट वाइट क्या आ रहा है, तो वो कितना भी छाछ होगी कितना भी बोल दो उसको, फिर भी वो एक बार फूक मार कर पिएगा, यानी कि उसमें ठंडा करके पिएगा उसको एक बार ट्राई करके फूक मार के, क्योंकि उसको डर है कि मैं फिर से मेरा मुंह ना जल जाए। तो बस वही है कि जो एक बार ऐसी चीज़ फेस कर चुका होता है उसको दोबारा वो चीज़ फेस नहीं करनी होती है, वो जानता है कैसा फील होगा। तो बस ऐसे ही यहाँ पर आप बहुत गहराइयों में खोए हुए हो व्यूअर्स, अपनी लाइफ के लिए एक सही डिसीजन लेना चाहते हो, कंफ्यूज होकर रह गए हो और अपनी लाइफ के लिए एक सही डिसीजन लेना चाहते हो। मुझे लगता है ये इंसान आपके साथ इंजॉय करना चाहता है, हैंग आउट करना चाहता है, आउटिंग्स पर बाहर जाना चाहता है, डेट करना चाहता है या चाहती हैं, इंजॉय करना चाहते हैं आपके साथ, लेकिन मुझे सीरियसनेस नहीं दिख रही है। ये इंसान आपके साथ लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू हैव फन विद यू, इंजॉय करना चाहते हैं, मस्ती करना चाहते हैं, और वो भी कहीं ना कहीं फ्लर्ट करना या यू नो इंजॉय करना साथ में, नॉट मच सीरियस, नथिंग सीरियस। ओके, ये सभी ज़ोडियक साइंस के लिए है। तो मैं यहाँ पर सिर्फ इतना ही कहूँगी आपको कि आप जो भी करते हैं ना वो खुद को ज़रा अपने आँख कान सब खोलकर और सब कुछ जान और समझ के कीजिए, क्योंकि आपका डिसीजन बहुत इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए। तो आप सही डिसाइड कीजिए कि क्या सच में आपको रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं, क्या सच में आपको डाउट्स हो रहे हैं, क्या सच में आपको कंफर्टेबल या इस इंसान के वाइब कहीं आपको पॉजिटिव नहीं लग रही है, तो फिर आप उसके हिसाब से डिसीजन लीजिए। क्योंकि यहाँ पर ना ऐसे तो लग रहा है कि जैसे आप कितना भी सोच रहे हैं लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं।
ये इंसान आपके साथ ऐसे जैसे पार्टी करना चाहता है, कुछ सेलिब्रेट करना चाहता है, डांस करना चाहता है, एंजॉय करना चाहता है या चाहती है, ऐसा मुझे लग रहा है। ओके सो दिस वॉज द रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही है। अगर इस रीडिंग ने आपको थोड़ा भी गाइड किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करें ड्रीम टैरो चैनल को अगर आप नए हैं। और फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, लव यू ऑल, टेक केयर।